जो है वो 1600 पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं जो मेरा टैक्स पेपर है वो यहाँ पे शो हो गया। तो इस तरह आप जो है वो अपना जो है वो नब्से 600 जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मालिक इमरान अबाबी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप साउथ कोरिया में रहते हुए अपना जो टैक्स पेपर है वो ऑनलाइन किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक वेबसाइट सर्च करनी है www.gov.kr। गवर्नमेंट 24 ये ऐप है, इस ऐप पे जब आप आएंगे तो आप यहाँ पे कोरियन में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं, तो मैं कोरियन में इसे रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप आके अपनी वेवोन खाइप पर क्लिक करेंगे। वेवोन खाइप पर क्लिक करने के बाद आप खेन पर क्लिक करेंगे। खेन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो अपना वो है नाम जो है आपका जो कोरियन आईडी कार्ड है उस पर जो वेगो के दो करोगे जो कोरियन रजिस्ट्रेशन कार्ड है उस पर अगर जो नाम लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर आप एंटर कर देंगे और यहाँ पे करेंगे शिलमिंग एंजम जो है वो क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपने छंछे जो है वो थुंगी पर क्लिक कर लेना है, ये जो तमाम जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है, जो एग्रीमेंट है उसके साथ एग्री करना है और यहाँ पे आपने थाम पे क्लिक कर देना है। थाम पे क्लिक करेंगे मेन्यू आपके जो सामने जो थर्ड ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे आपने अपनी जो आईडी लिखनी है, मतलब कि आप कौन सी जो है वो आईडी आप यहाँ पे रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो अपनी आईडी जो है वो लिख लेता हूँ और यहाँ पे जो है वो छंगबुक वागन पर क्लिक करेंगे क्या ये अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। तो यहाँ पे आ गया जी सायुंग हालसू इन्नन आईडी इमिदा, तो ये जो आईडी है वो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पे जो है मैं अपना पासवर्ड जो है वो लिख लेता हूँ, उसके बाद पासवर्ड जो है वो दोबारा एंटर कर लेता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद जो है वो ह्यूदी फोन बोनो खंपियन एंजन करनी है या मुझे मैसेज ही करना है, तो मैं खंपियन एंजन पर क्लिक करूँगा और ककाऊ के थ्रू जो है वो एंजन करूँगा। ककाऊ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना जो है नाम लिख दूंगा आईडी कार्ड वाला, उसके बाद आईडी कार्ड नंबर, और यहाँ पे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे छंछे थंगी पर क्लिक करके जो योचों पर जो ही मैं क्लिक करूंगा तो एक जो है वो मैसेज आ जाएगा मेरे जो ककाउट आ गए उसके ऊपर, देख सकते हैं ककाउ पे मेरा मैसेज आ गया। तो मैं यहाँ पे जो हगी पर क्लिक करूंगा तो ये आप देख सकते हैं मेरा जो नाम वगैरह सब कुछ सामने आ गया। तो मैं यहाँ से इसको एक्सेप्ट करके तो वेरीफाई पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो अपना पासवर्ड है वो यहाँ पे एंटर करूंगा। पासवर्ड करने के बाद ये जो है ऑथेंटिकेशन है वो होगी है मेरी कंप्लीट। अब मैं दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन पे चले जाता हूँ, यहाँ पे इंजन वैल्यू पर क्लिक करूंगा, खंप इंजन जो वैल्यू है वो कर ली है। अभी यहाँ पे मैं खाइप पर क्लिक कर दूंगा, खाइप वैल्यू पर क्लिक करेंगे तो ये जो है मेरी आईडी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं दोबारा लॉग इन कर लेता हूँ और लॉग इन करने के लिए मैं जो है वो यहाँ पे आईडी के जरिए लॉग इन करूंगा और यहाँ पे जो है मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डिफरेंट जो सर्विसेज हैं उनका फायदा जो है वो आप उठा सकते हैं। तो यहाँ पे नब्से छुंगनुंग जो है वो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देते हैं और ये आप जो है वो नब्से छुंगनुंग सो जो है वो आपका टैक्स पेपर है। तो यहाँ से आप फलगफागी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपने जो है अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब कि शो करनी है, जैसा कि आपने मतलब कि एम्बेसी वगैरह में देना है या किसी और जगह पे देना है, तो जाहिर सी बात है आपको अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो शो करनी होगी। तो शो करने के लिए आप खोंगे पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो हाइड करना चाहते हैं तो आप फी खोंगे पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हाइड हो जाएगी। तो मैं खोंगे पर रहने दूंगा और उसके बाद जो है यहाँ पे ये लिखा हुआ है सूरिंग फंगबो, यहाँ पे सूरिंग फंगबो जो है वो खम से कर लेता हूँ। खम से करने के लिए जो है वो
आपने कौन कौन सा जो है वो ऑनलाइन ऑनलाइन फलगप करना है या ऑनलाइन यूलम करना है, यूलम करना है। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन फलगप पर करूँगा ताकि मैं जो है वो उसका जो है वो प्रिंट निकाल सकूँ। और अगर ने आपने मैसेज के ज़रिए भी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप मतलब कि वैसे देखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन डाउनलोड करूँगा इसको, तो इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिनमोन शिनचुंग हागी पर क्लिक करेंगे, और दोबारा यहाँ पे खंगप्योन इंजोंग करेंगे। खंगप्योन इंजोंग करने के लिए आपको कॉप टॉप पे जाएंगे, या आपके पास इंटरनेट बैंकिंग वगैरह है तो उसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं बेहतर समझता हूँ कि मैंने ककाउ सर्टिफिकेट बनाया हुआ है तो उसके ज़रिए जो है मैं लॉग इन करूँगा। तो ककाउ टॉप पे मैं क्लिक करके यहाँ पे ऑलरेडी मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना जो आईडी कार्ड नंबर है वो लिख दूंगा। आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद मोबाइल नंबर एंटर कर दूंगा। मोबाइल एंटर नंबर करने के बाद छंछे थुंगी पर क्लिक करूंगा और इंजू योशों पर क्लिक करूंगा। आपके ककाउ टॉप में मैसेज आएगा, आपने उस पर जाना है और उसको ओपन करके इंजू हगी पर क्लिक करना है, और इंफॉर्मेशन जो है वो आपने उसको एक्सेप्ट करना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपने जो अपना पासवर्ड लगाया होगा ककाउ टॉप में, जब आप सर्टिफिकेट क्रिएट करेंगे तो वही पासवर्ड आपने वहां पे लगा देना है। पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है, तो मैं ओके पर क्लिक करूंगा और दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाऊंगा। इंजूम वैल्यू पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा जो है वो टैक्स पेपर जो है वो डाउनलोड हो चुका है। जो है वो मुनसो सुलुक पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं जो मेरा टैक्स पेपर है वो यहाँ पे शो हो गया।